कली है मन की, देखो पतंजलि में खिलती कली है मन की, देखो पतंजलि में मिलती है पुष्ट तन की, देखो पतंजलि में खिलती कली है मन की, देखो पतंजलि में खिलती कली है मन की, देखो पतंजलि में। राम राम जी, स्वागत है आप सभी का हमारी योग क्लास में। और आज है हमारे चैलेंज का 27वां दिन। तो 30 दिन के चैलेंज का आज हमारा 27वां दिन है। और छुट्टियां होने के बाद अब बहनें कम हो चुकी हैं, कहीं कहीं घूमने गई हैं, अपने घर गई हैं, इधर उधर जो भी है एंजॉय करने। मगर हमारा चैलेंज पूर्णता के करीब 27वां दिन है। और वही सभी को राम राम, जय राम जी की। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भाई सपोर्ट करो, और इस बहन को भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। आपके बिना देखो सोशल मीडिया पर अपने आप में कोई पूर्ण नहीं है, जब पब्लिक के सहयोग की ज़रूरत रहती है। और भाई हमारे चैनल पर आपको कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मिलेगा। और एक आम अपनी आम बोलचाल भाषा में, किताब भी भाषा बिल्कुल भी यूज नहीं कर रखी है मैंने, अपनी सीधी बोलचाल भाषा में। हमारी लड़कियां लग रही है, ये छोटी लग रही है साथ में करने एक्सरसाइज, और पूरी एक्सरसाइज करके बैठी हैं। आज ये आज हमारा वीडियो किसी कारण से फोन में कुछ त्रुटि हो गई थी, तो बाद में देखा तो पूरी एक्सरसाइज 1.25 घंटे की हमने कर ली थी। फिर देखा तो मका भाई चलो अब इतनी करने के बाद ना तो टाइम होता किसी के पास फिर दोबारा से, और ना ही हिम्मत होती क्योंकि इतना पसीना आ जाता है ना। तब थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं आराम से, कुछ धूप का चिमका सा भी निकला है, नहीं तो धूप कहाँ निकलती है। जनवरी के महीने में एकदम ऐसा ठंडी बर्फीली हवा चल रही है। और भाई कल हमारा स्थापना दिवस, पतंजलि स्थापना दिवस के 29 साल पूरे हो गए, 30वां चल गया है। तब यह हमारे पतंजलि हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना और उनमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, आस्था टीवी पर और वैदिक चैनल पर, कई चैनल पर, यूट्यूब पर भी बड़े दिखा रहे हैं, अच्छे अच्छे देखना सभी। और छोटे बच्चों को, 3 साल के बच्चों को बोल रहे थे गुरुजी के, 3 साल के बच्चों को हम गुरुकुल में एडमिशन देने शुरू कर दिए हैं। तो जो इच्छुक हो अपने बच्चों को गुरुकुल में एडमिशन करवाए शुरू से ही। और ये नहीं है कि एक ही चीज़ पढ़ाते हैं गुरुकुल में संस्कृत, नहीं, सारी भाषाएं पढ़ाते हैं, हर एक तरह की। जैसे और स्कूलों में तो अपना अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की, अपने वैदिक धर्म की बिल्कुल ही ऐसी गड्ढा खोद कर उसमें डालकर मिट्टी ऊपर डाल दी, और स्कूलों में तो ऐसा कर दिया है। अब थोड़े बहुत शुरुआत सी हुई है, नहीं तो संस्कृत नहीं, ये नहीं, वो नहीं, अपने वहाँ की पढ़ाई भाई क्या, वही सारी चीज़ अपनी। तो जागो भी सनातनियों, सारी चीज़ सीखो भाई, ये नहीं है कि हम ये भाषा नहीं सीखेंगे, जरूर सीखो सारी, चाइनीज़, जर्मनी सब सीखो, इंग्लिश, हिंदी जरूर सीखो, संस्कृत भी जरूर सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ। ये ना सोचें कि हाय हम ना अंग्रेजी ना आती तो हम कती है ना, हम अपने देसी हरियाणी भाषा को लेकर लग रहे ऊपर। और अब तो हमारी हरियाणी भाषा देश विदेशों में प्रसिद्ध हो रही है, कैसे कैसे गाने आ रहे हैं, कैसे कैसे फिल्में देखो। करते रहो भी, व्रत रखा करो व्रत रखोगे
तो परमात्मा के समीप उपवास, उप परमात्मा के समीप बिल्कुल एकदम साक्षात्कारों से बातें करोगे, मन तन की बतलाते रहोगे। आज हमने स्पीड अच्छी सी कर रखी है, ये पूरे आधे घंटे तक ऐसे करते रहे थे हम, तो 4 गुना स्पीड कर रखी है, इसलिए भी 6 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो हमारा। अभी कोई ना कोई चैलेंज जरूर ले लिया करो, क्योंकि उसके साथ है ना फिर कंटिन्यूटी बनी रहती है, नहीं तो हम ज़्यादा सर्दी होती तो छोड़ भी देते। अब हमने चाहे घर में भी किया अपना योग, चाहे बाहर किया, मतलब योग नहीं छोड़ा, अपना जो धर्म था वो पूरा निभाया है, चाहे अकेली में किया हो चाहे बहनों के साथ किया हो, चैलेंज पूरा हमने 1 घंटे का लगातार योग। पतंजलि में राम राम भाई, जय राम जी की। सब बहन भाइयों को कैसा लगा बताना महाराज का।